गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ बच्चों, आप सभी अपनी हिंदी की बुक ओपन करेंगे। निरंजना, यस बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने कल हमने क्या करे थे, हमने इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करे थे, ठीक है। और हमने ये जो प्रश्न 3 है और प्रश्न 5, ये हमने पहले ही कर चुके हैं 8 जुलाई को, ठीक है। आज हम आगे करेंगे उससे। आप सभी अपना पेज नंबर 45 ओपन करेंगे। पेज नंबर 45, यहाँ देखिए 4th, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए, ठीक है। पीछे जो कविता दी गई है उसमें से ही आपको ये पंक्तियाँ हैं जो आपको फिल करनी है, ठीक है। पंक्तियाँ मतलब उनको आपको पूरा करना, कंप्लीट करना, ठीक है। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, ठीक है। मैंने आपको मीनिंग पहले ही बता दिया था चैप्टर में कि बसंती हवा अपने लिए बोल रही है, ठीक है, कि मेरा जहाँ मन करता है मैं वहाँ घूमती हूँ, ठीक है। ख देखेंगे, हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी। तो बसंती हवा इसमें क्या बोलती है कि जब बसंती हवा जब ज़ोर से हंसती है, ज़ोर से हंसती का इसमें मतलब है कि जब वो ज़ोर से बहती है हवा, बसंती हवा जब ज़ोर से बहती है तो क्या है, धूप भी क्या लगती है, प्यारी लगती है, चमचमाती है धूप भी, और सारी सृष्टि मतलब सारा संसार क्या क्या करता है, हंसता है, मीन्स खुश होता है, ठीक है। ये हम पहले ही कर चुके हैं। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 46। ये आपका सारा ग्रामर पोर्शन आ गया है, ये आप अपनी हिंदी जी की कॉपी में करेंगे, ठीक है। और बच्चों आप अपना काम कंप्लीट करिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं भी परसों आपकी कॉपीज़ मैं मंगवाऊँगी, ठीक है, और बुक्स भी साथ में मंगवा सकती हूँ, बट कॉपीज़ तो ज़रूर मंगवाऊँगी मैं। तो अपना काम कंप्लीट करिएगा बच्चों, और आपको इसके मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको स्टार भी दूँगी, आप जिस बच्चे का काम ज़्यादा अच्छा होगा उसको स्टार भी दूँगी, गुड वेरी गुड, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, मार्किंग करी जाएगी आपकी। जो बच्चा मुझे नहीं देगा उसका मैं 0 लगा दूँगी, ठीक है। तो आप सभी को देना है बच्चों, आप अगर अपनी कॉपी सबमिट नहीं करेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आप अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बताइए। आप पढ़ेंगे, कॉपी सबमिट करेंगे, तभी तो मैं भी चेक करूँगी ना, नहीं तो मैं तो आगे पढ़ाती रहूँगी, आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। अपना काम टाइम टू टाइम कंप्लीट करिए, जैसे मैं आपको बोलती हूँ वैसा करिए, ठीक है, डू एज आई से, ओके बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अभी इसमें देखिए जो जो आपको करना है, मैंने उसमें सर्कल लगा दिया है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या बोला गया है, नंबर 2 पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे, कविता में से संज्ञा शब्दों को चुनकर लिखिए। संज्ञा आपको पता है, मैं पहले ही भेद करवा चुकी हूँ, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। और संज्ञा भी आपको पता है किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या फिर भाव के नाम को, या किसी का भी नाम आए भाव के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो कविता में से आपको संज्ञा शब्द चुनने हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, फिल कर दिए हैं, हवा, मुसाफिर, शहर, गांव, ठीक है, ये क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन 3, प्रश्न 3, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द आपको पता है क्या होते हैं, विपरीत शब्द जिसे हम बोलते हैं, उल्टा लिखना होता है। नीडर मीन्स क्या होता है, साहसी, जो डरता नहीं है किसी से, नीडर का डरपोक, नीडर डरपोक, दुश्मन का दोस्त, शहर गांव, उद्देश्य निरुद्देश्य। उद्देश्य मीन्स बच्चों क्या होता है, एम, एम मीन्स मतलब गोल, हम जिसे हम कहते हैं, जैसे आप लोगों का भी कुछ एम होएगा ना, उद्देश्य होगा आपका भी, आप पढ़ क्यों रहे हैं, आपको बड़ा होकर क्या बनना है, आपका एम कुछ होगा, है ना, आप पुलिस बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप टीचर बनना चाहते हो, है ना, तो मतलब आप क्या बनना चाहते हो, आपका उद्देश्य है ना एक, ठीक है, एम, उद्देश्य मीन्स एम। और निरुद्देश्य जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, वो कभी कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसलिए आपको
आपका उद्देश्य जरूर होना चाहिए कि आपको करना क्या, आपका एम होना चाहिए, ठीक है। इच्छा मीन्स क्या होती है, जब हम किसी चीज़ को करना चाहते हैं, ठीक है। विश जैसे हम बोलते हैं ना, यार मैं तो ये करना चाहता हूँ। इच्छा मीन्स विश, अनिच्छा मीन्स जब हमारी कोई इच्छा ही नहीं होती। आशा मीन्स होप, निराशा मीन्स जब हम बिल्कुल भी होपलेस हो जाते हैं, ठीक है। हम दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं। नीडर डरपोक, दुश्मन दोस्त, शहर गांव, उद्देश्य निरुद्देश्य, इच्छा अनिच्छा, आशा निराशा, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ देखिए, कविता में आए अनुस्वार अनुनासिक वाले शब्द चुनकर लिखिए, ठीक है। अनुस्वार मैंने आपको बताया था क्या होता है, अनुनासिक भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। अनुस्वार में क्या होता है, ये अंक की मात्रा आती है, और अनुनासिक में चंद्रबिंदु आते हैं। अनुनासिक नाक से बोला जाता है, ठीक है। जैसे हूँ, आप हूँ बोलेंगे तो आपका नाक से भी ध्वनि निकलेगी, ठीक है। नाक से भी आप, मतलब आपकी साउंड निकलता है। हूँ मैं, और चंद्रबिंदु में नहीं, इसमें सॉरी अंकी जो बिंदु होती है उसमें नहीं निकलती। मैं बसंती जहाँ गांव, ठीक है। जहाँ जहाँ चंद्रबिंदु होती है उसमें हमारी नाक से ध्वनि जरूर निकलती है। ये डिफरेंस होता है अनुस्वार और अनुनासिक में, ठीक है। नंबर फिफ्थ देखिए, वर्ण विच्छेद कीजिए। बच्चों ये आपको ज़रूर आना चाहिए, बहुत ईजी भी है, और टेस्ट लूँगी आपका तो उसमें ज़रूर दूँगी। जैसे बसंती है, आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे ब, ब के नीचे क्या आई, हलंत, ठीक है। ब के साथ किसका साउंड आ रहा, ब अ, ठीक है। अ का आ रहा, अ से नार का, अ स, स के नीचे फिर हलंत, और ये क्या है, सब पे कौन सी मात्रा है, अंग उसकी है, अंग की मात्रा, तो हमने अ अंग वो लिख दिया, अंग से अंगूर लिख रहेगा, ठीक है। प्लस फिर त, पे फिर हलंत, और तापे कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी ई की मात्रा लगी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बड़ी ई, ठीक है, समझ में आ गया। अनोखी मैंने पहले भी आपको समझाया, चैप्टर में पीछे भी आएंगे। अनोखी देखिए, अ फिर ना, ना पे फिर हलंत, ना के साथ कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है, छोटे ओ से ओखली की मात्रा है, तो ओ प्लस ख, ख के साथ कौन सी मात्रा, बड़ी ई की, तो हमने बड़ी ई लगा दी। मस्त मौला, तो म, म के साथ किसका साउंड आ रहा, अ का, तो म और स, ठीक है। ये आधा स तो हम इसके पीछे अ नहीं लगाएंगे, स देखिए, अगर अ की आपको पता है, अ की क्या होती है, कोई मात्रा, मात्रा क्या होती है, अ की मात्रा कोई भी नहीं होती, ठीक है। अगर किसी के पीछे मात्रा नहीं दी, जैसे ये म हो गया, त हो गया, न हो गया, आगे भी आया ब हो गया, इनके पीछे मात्रा नहीं है कोई भी, मीन्स ये क्या है, इनमें किसका साउंड आ रहा, अ क्या, अ से अनार का आ रहा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बात आप मेरी, अगर किसी के पीछे कोई मात्रा नहीं दी तो उसका आपका मीन्स क्या है कि आपको अ लिखना है, वहाँ पर वो अ है, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, वहाँ पर अ की ध्वनि आ रही, ठीक है। म कोई मात्रा नहीं तो हमने अ लिख दिया, म, ठीक है। स फिर त के पीछे कोई मात्रा नहीं, हमने अ लिख दिया। म, म पे कौन सी मात्रा आई, बड़े औ की, ठीक है। अ ल आ, आ की मात्रा, तो हमने आ लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। मस्त मौला। मुसाफिर देखिए, म, म पे कौन किसकी मात्रा है, ऊ की, छोटे ऊ की। ऊ स पे कौन सी मात्रा, आ की, तो हमने आ लिख दिया। फ पर कौन सी मात्रा, छोटी ई की, तो फ ई र और अ, ठीक है। अब निर्जन, निर्जन क्या होता है, सुनसान जगह जहाँ कोई नहीं रहता। जैसे न पे कौन सी मात्रा, छोटी ई की, तो नी। अभी आप जब इसको पढ़ते हैं आपको र नहीं दिख रहा, ठीक है, र ये चढ़ गया, ये र है आपका, ठीक है। तो न ई र, ठीक है, फिर ज आ, आ गया न और अ, ठीक है, निर्जन, ठीक है। और ये आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। आप जब तक, बच्चों सुनिए, आप जब तक खुद से अपने से नहीं करेंगे ना, तो आपको करना नहीं आएगा। आपको मतलब इंटरेस्ट आएगा बहुत ज़्यादा, अगर आप खुद से करेंगे तो आपको, आप मेंटली डेवलपमेंट होएगी आपकी, ठीक है, मेंटली ग्रोथ होएगी आपकी काफ़ी। आपकी सूझबूझ से, मतलब आपको अपने माइंड से यूज़ करके लिखना है यहाँ पर जो भी लिखो। अगर शुद्ध एवं ताज़ी हवा हमें नहीं मिलेगी तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। शुद्ध और ताज़ी हवा नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे, बीमार हो जाएंगे, बीमार क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, अगर ताज़ी हवा नहीं मिलेगी तो।
बसंती हवा कब बहती है? बसंत ऋतु में बहती है। और आपको बसंत हवा कैसी लगती है बताओ? मैं अपनी बताऊं तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है बसंती हवा, क्योंकि उसमें क्या होता है ठंडी ठंडी हवा चलती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, आप भी बताना आपको कैसी लगती है। नाउ पेज नंबर 47। चित्रों को पहचान कर उन्हें आपस में जोड़ के मुहावरा बनाइए, मुहावरे का अर्थ भी लिखिए। अभी देखो ये पिक्चर दी है, जैसे ये क्या है, कुआ, दिस इज़ अ वेल, दिस इज़ अ फ्रॉग, कुआ मेंढक, तो क्या हो गया कुएं का मेंढक, ये एक मुहावरा है। तो ये क्या है कुआ और ये क्या है मेंढक, तो क्या हो गया कुएं का मेंढक। पिक्चर देख के आपको बनाना मुहावरा। कुएं का मेंढक बच्चों क्या होता है? कुएं का मेंढक होता है जिसे बहुत कम अनुभव होता है। कुएं का मेंढक मैं आपको बताऊं तो मतलब एक ही जगह रहना, मतलब आपको किसी चीज़ का अनुभव नहीं है। अगर आप ठीक है, मतलब आपको किसी चीज़ का अनुभव ना होना, मतलब आपने अगर किसी, अगर आपको एक ही बात पता है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये करो तुम कहोगे हाँ मैडम ने इतना बता दिया बस हो गया। ठीक है, अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो कैसे होएगा, आप में ग्रोथ नहीं होएगी, आपकी ग्रोथ नहीं होएगी, आप में डेवलपमेंट नहीं होएगा। ठीक है, तो कुएं का मेंढक क्या होता है? जिसे बहुत कम अनुभव हो। मैंने यहाँ पर एक वाक्य भी बनाया, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। पवन तो कुएं का मेंढक है, उसे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, मतलब किसी चीज़ का पता ही ना होना, अनुभव ही ना होना। ये क्या है आँख, आईज मीन्स आँखें, और ये क्या है स्टार मीन्स तारा, तो क्या बन गया आँखों का तारा। आँखों का तारा क्या होता है? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। अगर मैं अपने उसमें सेंटेंस बनाऊँ तो जैसे सभी बच्चे क्या होते हैं, अपने माँ बाप की आँखों का तारा होते हैं, सभी बच्चे अपने पेरेंट्स की आँखों का तारा होते हैं, मतलब प्यारे होते हैं। मैं हूँ, मुझे भी मेरे पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं, मैं अपने पेरेंट्स की क्या हूँ, आँखों की तारा हूँ, आप भी अपने पेरेंट्स की आँखों के तारा हो। ठीक है, तो मैंने एक बनाया यहाँ पर राम, वाक्य बनाया राम अपने माता पिता की आँखों का तारा है। ठीक है, और ये आप देखिएगा ये क्या है, ये आपको एक पिक्चर दे रखी है, बुक में ही करना आप, ये बुक में ही करना आप, तो ये आपको एक पिक्चर दी है इसमें ही बना लेना आप। तो प्राकृतिक वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक वस्तुओं का चित्र बनाना आपको, जैसे ये एक छोटा सा पॉन्ड दे रखा, तालाब दे रखा। ठीक है, तो क्या बनाओगे? प्राकृतिक वस्तु क्या होती है? जो नेचुरली होती है। ट्री बना दो, फ्लावर्स बना दो। ठीक है, तो आप देखिए आसपास की कोई भी चार प्राकृतिक चीज़ें बना देनी है आपको। ठीक है, बर्ड बना दो, आप सन भी बना सकते हो। ठीक है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये किताब में ही करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी, किताब में करेंगे बस, ज़्यादा काम नहीं दूंगी बिल्कुल। और 2, 3 और 5, 2, 3, 5 मैंने सर्कल भी लगाया है, और नहीं बस 2, 3 और 5 बस यही करिएगा। किस में करेंगे? हिंदी जी की कॉपी में करेंगे। ठीक है, और 4 ये खुद से करेंगे, 4 और ये 6 ये आप बुक में करेंगे, और ये भी बुक में करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, आज बस इतना ही करेंगे, थैंक यू।